आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। साथियों, आज का तिरंगा मार्च पहल का भिवानी जिले में किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस पर आज देश भर में गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशाल मार्च निकाले जा रहे हैं। 8.5 महीने के बाद भी जोरदार उत्साह, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, जन जन का आंदोलन, एक झलक आप देख सकते हो युवाओं से लेकर बुजुर्गों से लेकर के। और ये पूरा तिरंगा मार्च जो है, ट्रैक्टरों की संख्या गाड़ियों पे तिरंगे लगा करके, केवल तिरंगा, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और गाड़ियां, ब्लॉक और तहसील स्तर पे। अभी हमें भिवानी जिले के बहल वही विधानसभा जहाँ जेपी दलाल जी पैसे बांट के यात्रा निकाल रहे थे, और यहाँ किसान अपनी नेक कमाई में से अपने आंदोलन को, देश को बचाने के आंदोलन को मजबूती देने के लिए निकला। और अथा जज्बा आप देख सकते हैं तिरंगों के साथ शेयर करते रहे। तिरंगा मार्च, किसानों का तिरंगा मार्च, आज पूरा हिंदुस्तान फिर आंदोलन के साथ एक नई ताकत देने का काम कर रहा। ये ट्रैक्टर लगातार आ रहे हैं, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर तिरंगे लगा करके आज स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संग्राम मार्च, संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर पूरे देश भर में आप देख सकते हैं साथियों। पैर रखने के लिए जगह नहीं है, केवल एक तहसील का मार्च, अनगिनत गाड़ियां, मोटरसाइकिल, सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, विशाल मार्च आज का, विशाल मार्च। ना कोई तेल बांट के, ना कोई पैसे दे करके, ना कोई दबाव दे के यहाँ किसी को बुलाया है, अपने आंदोलन को मजबूती देने के लिए। अभी ये मार्च अनाज मंडी से चल के भगत सिंह की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करेगा, और उसके बाद फिर गोकुलपुरा के शहीद स्मारक पर देशभक्ति गानों के साथ बच्चों से लेके बुजुर्गों तक जबरदस्त उत्साह, 9 महीने के बाद भी जबरदस्त उत्साह साथियों, जबरदस्त उत्साह आंदोलन में, जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त उत्साह साथियों। आज पूरे हिंदुस्तान में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गांव, तहसील और ब्लॉक स्तर पर किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस पर संग्राम मार्च भिवानी जिले के बैल ब्लॉक में, लोहारू तहसील में, कृषि मंत्री जेपी दलाल के विधानसभा में, किसान सड़कों के ऊपर साथियों, किसान सड़कों के ऊपर आंदोलन के साथ, जहां तक आपकी नजर पड़ेगी आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, तिरंगों के साथ। अभी आप बैल ब्लॉक के प्रधान बलवान जी डाणी केरा यहाँ सेवाएं दे रहे हैं अनुशासन बनाने में, क्योंकि यात्रा अभी शुरू हुई है, कंपेन भी आ रही है यात्रा में, छोटे बच्चे ट्रैक्टर लेके भी आए हुए हैं। अभी ये बहुत लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं लगातार। अब हम भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे, और फिर गोकुल बहल शहर में होते हुए गोकुलपुरा के शहीद स्मारक पर आज की तिरंगा
तिरंगा यात्रा का समापन करेंगे साथियों। इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहें। आजा फटाफट आकर ये देखिए, अनुशासन में शांति प्रिय तरीके से 3 काले कानूनों की वापसी, MSP का कानून, देश आज भी गुलाम है, आम आदमी किसान मजदूर आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहा है। जबरदस्त उत्साह है साथियों, इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें। व्यवस्थित तरीके से भगत सिंह की प्रतिमा पे अभी पुष्प अर्पित करेंगे। तिरंगा मार्च भगत सिंह की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करते हुए, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं साथियों, तिरंगा मार्च अभी हम पहुंचे हैं। उधर कोई आगे ना जाए, मोटरसाइकिल लेके जाओ, वापिस ले आओ। भगत सिंह की अभी हम एक बार साउंड बंद करवा दो। अपने अभी एक बार रुको 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 एक बार फूल आ रहे हैं फूल। वो गाड़ी कहाँ? सभी से ये अपील है, एक तो सारे ट्रैक्टर मोटरसाइकिल गाड़ी लाइन में लेके चले, एक दूसरे से आगे ना निकालें, और पूरा कार्यक्रम जब वहाँ शहीद स्मारक पर समाप्त करेंगे, और उसके बाद एक स्मारक आगे में एक शहीद स्मारक और है जहाँ का प्रस्ताव आया था, तो वहां पे उसका समापन कर देंगे। गोकुलपुरा में भी सबके लिए चाय पानी की सबकी व्यवस्था है, सारे चाय पानी लेके हुक्का पानी लेके फिर जाना। तो एक बार जोरदार नारे मेरे साथ लगा दो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टी सरकार मुर्दाबाद, खट्टी सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, कृषि मंत्री JP दलाल मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो, सौ किसानों से टकराएगा, किसान मजदूर व्यापारी दुकानदार एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 छत्तीसगढ़ का भाईचारा जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सभी क्रांतिकारियों की जय हो, समस्त शहीदों की जय हो, जय जवान, जय किसान। तो साथियों, अभी मुख्य रूप से यहाँ अगर कोई भी प्रधान, कोई भी हमारा साथी अपने विचार रखना चाहो तो 2 मिनट के लिए अपने विचार भी रख लें, और वहाँ गोकुलपुरा भी रखेंगे, वही समापन करेंगे, तब विचार रखेंगे। और साथियों, अभी हम यहाँ महल में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे, और उसके बाद गोकुलपुरा शहीद स्मारक के लिए आज का तिरंगा मार्च चलेगा। पूरे देश में आज जबरदस्त उत्साह, आंदोलन के 8.5 महीने आज पूरे हो रहे हैं, तो एक बार सभी पुष्प अर्पित करेंगे शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर, और फिर हम जो है गोकुलपुरा की ओर रवाना होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान सर।
सी डांट लियो एक बार। एक बार डांट लौड़े प्रदीप भाई, एक बार डांट लौड़े। साथियों, आज का संग्राम मार्च, तिरंगा मार्च, लोहारू विधानसभा के बैल में उमड़ पड़े हैं सभी किसान, युवा, ट्रैक्टरों पे, गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे तिरंगा लगा करके। मैं इस टाइम कंपाइन के ऊपर बैठा हूँ, कंपाइन के ऊपर बैठ करके, और आपको थोड़ा सा नजारा दिखाने की कोशिश, पूरा नजारा आपको कंपाइन के ऊपर से। कंपाइन के ऊपर आप देख सकते हैं चारों तरफ कृषि मंत्री जेपी दलाल के विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन, आज तिरंगे हाथों में लेकर के। जब तक आंदोलन जीत नहीं जाते तब तक लड़ेंगे। अब साथियों, आपको पूरा अभी दिखा देते हैं। अभी हमें एक बार जो है प्रधान जी, अरे विकास, एक बार रुक जाओ। अभी ये शहीद स्मारक की तरफ गोकुलपुरा ये यात्रा जाएगी और वहाँ समापन होगा। बहुत ऐतिहासिक यात्रा, एक बार मैं निवेदन करूँगा, पीछे तक का सारा दिखा दो, कंप्लीट कंपेनर, वो सारे बैनर वैनर सब दिखा दो। साथियों, जय किसान, मैं रवि आजाद। अभी हमें साथियों भिवानी जिले के बैल ब्लॉक और लोहारू तहसील में आज पूरे हिंदुस्तान में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आंदोलन को ताकत देने के लिए किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस पर संग्राम मार्च आज पूरे देश में अटक से लेके कटक तक पूरे हरियाणा में सब गांव, ब्लॉक और तहसीलों में निकाले जा रहे हैं। 8.5 महीने के बाद भी किसानों का उत्साह, 3 काले कानूनों की वापसी और MSP के कानून के लिए सरब के ऊपर है आंदोलन, पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा। आप देख सकते हो यहाँ तमाम किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ, युवा मोटरसाइकिलों के साथ, कैंपेन के साथ। मैं निवेदन करूंगा एक बार जो है इधर थोड़ा थोड़ा जगह दे देंगे। ये सभी हमारे यहाँ प्रधान खड़े हैं, युवा साथी खड़े हैं। अभी आप देख सकते हो ये पूरे की पूरी जो आज अभी बैल की नई अनाज मंडी से ये तिरंगा यात्रा, ये संग्राम मार्च शुरू होगा। और साथियों,
केवल और केवल तिरंगा, तिरंगे से तिरंगे का सम्मान किसान से ज्यादा कोई नहीं जानता। उसके बेटे तिरंगों में देश के शहादत दे करके तिरंगों में लिपट करके आते, केवल तिरंगा। तो आप पूरा नजारा यहाँ देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। अभी हम थोड़ा आगे की ओर चलेंगे और एक बार जो पूरा आज जो संग्राम मार्च निकल रहा है, पूरा जो संग्राम मार्च निकल रहा है, जो अब यहाँ बैल की नई अनाज मंडी से और भगत सिंह की प्रतिमा पे होते हुए और गोकलपुरा गांव में शहीद स्मारक तक ये पूरा मार्च जाएगा। मैं निवेदन करूंगा एक बार थोड़ी झलक आपको कि कितना उत्साह है। केवल एक एक ब्लॉक का आपको दिखा रहे हैं जहां गांव-गांव से गली गली से ट्रैक्टर मोटरसाइकिलों के साथ, मैं निवेदन करूंगा थोड़ा धीरे, एक बार ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, चलते रहें साथ में। एक बार यहां से दिखा दें तिरंगा मार्च, आज का जो संग्राम मार्च है, तिरंगा मार्च है तिरंगों के साथ। ये देखिए साथियों, उधर एक बार रोक ले भाई, ये ट्रैक्टर देख सकते हैं आप, इधर हमारे युवा साथी आपको नजर आ रहे हैं। हम किसान हैं, किसान थे, किसान रहेंगे, ठीक है। अरे युवा साथियों, में आप देख सकते हो कितना उत्साह है। हमारे साथी व्यवस्था बनाने में सारे लगे हुए हैं। और अब मैं ये देख सकते हैं आप कंपेन आज का, ये कंपेन के ऊपर भी, कंपाइन के ऊपर भी जो है किसान यहाँ आए हैं और ये अपने आप में एक अनूठा प्रदर्शन है। और साथियों, मैं इसी के साथ में आपको एक झलक और दिखा दूं बीच में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें और केवल एक ब्लॉक की, एक तहसील की आज का जो मार्च है उसकी झलक है पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे हरियाणा में। जबरदस्त तरीके से यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पैर टेकने के लिए, पैर रखने के लिए जो है यहाँ मंडी में जगह नहीं है, चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर जहां तक आपकी नजर जाएगी। और ये सभी जो ट्रैक्टर हैं, ये बीजेपी वालों की तरह कोई तेल डलवा करके, पैसे दे करके दबाव में नहीं लेके आए गए। ये सारे ट्रैक्टर किसान अपनी नेक कमाई में से, अपनी मेहनत से आंदोलन को मजबूती देने के लिए जो पिछले 8.5 महीने से लगा हुआ है किसान, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं सभी बुजुर्गों से लेकर के, जवानों से लेकर के और छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन के अंदर पूरी ताकत से, जहां तक आप देखेंगे अभी पूरा ये बैल की नई अनाज मंडी किसान आंदोलन को ताकत देने के लिए, आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए बहुत जोरदार उत्साह के साथ किसान यहाँ बैल की नई अनाज मंडी में जुटे हैं। केवल हाथों में तिरंगा लेकर के आंदोलन को ताकत देने के लिए एक आपको छोटे ट्रैक्टर, आगे एक बार चलेंगे, आपको छोटे किसान से भी यहां मिलवा देते हैं तिरंगा मार्च में। आप देख सकते हैं, मैं निवेदन करूंगा एक बार चारों तरफ का नजारा एक बार दिखा दें। और जबरदस्त उत्साह के साथ जो है आज का तिरंगा मार्च, आज का संग्राम मार्च अब शुरू हो रहा है। और इसको ज्यादा से ज्यादा साथियों इसको शेयर भी कर दें और पूरे देश भर में आज आंदोलन को एक नई ताकत, आज फिर ये बता दिया गया है, ये सब जाति, सब वर्ग, सब राज्यों का, जन जन का ये आंदोलन है। और जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक किसी भी कीमत पे घर वापसी नहीं होने वाली है। और आप
देख रहे साथियों, देख सकते हैं आप साथियों, इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय किसान। साथियों जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों आज स्वतंत्रता दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर, किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस पर संग्राम मार्च जो आज हिंदुस्तान भर में निकले, अलग अलग राज्यों में निकले, मैं सबसे पहले तो भिवाणी जिले के लोहारू विधानसभा के बहल क्षेत्र के सभी किसानों और युवाओं का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने जेपी दलाल जी को एक करारा जवाब दिया, एक ऐतिहासिक यात्रा निकाल करके ये बता दिया कि लोहारू का क्षेत्र, बहल का क्षेत्र, सिवाणी का क्षेत्र किसान आंदोलन के साथ है, ना कि बीजेपी और जेपी दलाल जी के साथ है। पहले भी हम मजबूती से आंदोलन के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। बीजेपी को ये वहम अपने दिमाग से, कृषि मंत्री को ये वहम अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। इसी के साथ में साथियों, सिवाणी से लेकर के तोसाम से लेकर के बवाणी खेड़ा भिवाणी और बहल, तमाम जितने भिवाणी जिले में इधर कितलाना टोल प्लाजा, बाडड़ा, दादरी और पूरे हरियाणा भर में आज आंदोलन के समर्थन में मोर्चे की अपील पे लगभग 250 विशाल मार्च निकाले गए और मोदी जी को जवाब दिया, बीजेपी को जवाब दिया कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी 9 महीने पूरे होने को हैं, पहले से भी बड़ी ताकत आंदोलन के साथ खड़ी है और आगे भी इसी मजबूती के साथ जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी, ताकत आंदोलन की बढ़ती जा रही। साथियों में विशेष धन्यवाद दूंगा जींद जिले का वो क्रांतिकारी टोल प्लाजा खटकड़, जिसने आज मैं कहूंगा पूरे हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हजारों ट्रैक्टरों के साथ तिरंगा मार्च निकाल करके ये साबित कर दिया कि ये वीरों की भूमि है और चाहे गर्दन कटानी पड़े लेकिन पूरी ताकत से लड़ेंगे। आंदोलन की एक बड़ी ताकत है जींद की धरती, उचाणा की धरती और हरियाणा में सबसे क्रांतिकारी टोल प्लाजा खटखट टोल प्लाजा के सभी कमेटी को, वहां के हमारे तमाम किसान भाइयों को, युवा साथियों को भी हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और तमाम साथियों आज पूरे देश भर में ट्रैक्टर, गाड़ियां, मोटरसाइकिल और अलग अलग साधन, बैलगाड़ी, ऊंट, ऊंटों के ऊपर भी यात्राएं निकली तिरंगों के साथ। पूरे देश ने आज ताकत दिखाई, पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए, आंदोलन को नई ताकत देने के लिए सबका बहुत धन्यवाद है। सब आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।